जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो अभी की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। धर्म के आधार पर विभाजन कांग्रेस पार्टी ने किया है, मान्यवर उनको सुनना पड़ेगा, ये इतिहास है, इसको सुनना पड़ेगा। ये बिल कहीं पर भी 0.001% भी इस देश की माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, मगर आप इससे बात की चिंता कर रहे हैं। सर लेट मी फिनिश माय व्यू को, लेट मी फिनिश माय व्यू। आर्टिकल 14 का अगर आप जो मेरे विपक्ष के सदस्य मित्र करते हैं ऐसा इंटरप्रिटेशन अगर समानता के कानून का करना है तो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार कैसे होंगे माननीय, बताइए मुझे। समानता का कानून अप्लाई वहां क्यों नहीं होता है? 371 को हम कभी भी नहीं छेड़ेंगे। पूरे नॉर्थ ईस्ट को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 371 को हम कभी भी नहीं छेड़ेंगे। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक निर्णय किया कि बांग्लादेश से जितने भी लोग आए हैं सारे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, तो फिर पाकिस्तान से आए हुए क्यों नहीं लिए? आर्टिकल 14 ही था तो फिर सिर्फ बांग्लादेश क्यों? अभी अधीर रंजन चौधरी खड़े हो गए, उनका गुस्से होना स्वाभाविक भी है, मैं उनका गुस्सा समझ भी रहा हूं और गुस्से का कारण भी समझ रहा हूं। बिल पर आपको पूरा बोलने का मौका मिलेगा और एक एक बात को टाले बगैर मैं जवाब भी दूंगा। वॉकआउट मत कर जाना, वॉकआउट मत कर जाना। पाक ऑक्युपाई कश्मीर भी हमारा है, उसके नागरिक भी हमारे हैं और आज भी कश्मीर की असेंबली के अंदर 24 सीटें रिजर्व रखे हैं। ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी उनकी यातनाओं से मुक्ति का ये दस्तावेज लेकर आज इस सदन के सामने आए और ये दस्तावेज इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला है कि जो विफल हुए 1950 के नेहरू लियाकत समझौते की गलती को आज नरेंद्र मोदी ने सुधारने का काम किया है देश के प्रधानमंत्री।